मैंने अनुरोध किया था कि किसान संघर्ष समिति से उपाध्यक्ष डॉक्टर ए के खान जी बोले, आदेश दिया आनंद जी ने। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, किसानों के 68 साल में जो जमीनें छीनी गई उससे 10 करोड़ लोग विस्थापित हुए जिनका आज तक पुनर्वास नहीं हुआ। सरकार उसका श्वेत पत्र जारी करके उसका हिसाब किताब दे, और जो जमीन सरकार ने अब तक अधिग्रहण की है उसका इस्तेमाल नहीं किया उसको किसानों को वापस दे, और किसानों को अगर वापस नहीं दी जाती तो किसान उस पर कब्जा करें। ये ऐलान यहां से सामूहिक तौर पर होना चाहिए। ये योगेंद्र जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं सभी किसान संगठन साथियों की ओर से। साथियों, पहली बार देश के अंदर सुनिश्चित आय की गारंटी न्यूनतम जो केंद्र सरकार के शिवगोपाल जी आए हैं, सबसे बड़े नेता हैं जैसा आनंद जी ने बताया, उसके सबसे छोटे कर्मचारी को अगर 15-17 हजार रुपए मिलता है तो हम ये चाहते हैं कि देश के किसान परिवार को कम से कम महीने की वो आय की गारंटी दी जानी चाहिए। और ये गारंटी हम लोग केवल डोल के तौर पर निःशुल्क नहीं चाहते, समर्थन मूल्य। अभी तुमने जो 35 रुपए दिन का किया है किसान का, उसको बढ़ा करके 156 रुपया रोजगार गारंटी के रेट पे कर दो, समर्थन मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। ये मांग हम लोग करना यहाँ पर चाहते हैं। इसके साथ साथ में बहुत बड़ी लड़ाई देश में किसानों के और खेतीहर मजदूरों के पेंशन की चल रही है। 2000 रुपया कम से कम पेंशन होना चाहिए। पेंशन परिषद देश भर में इस लड़ाई को लड़ रहा है, किसान संगठन भी इस लड़ाई को पूरे देश के अंदर ले जाना चाहते हैं, उसको शामिल किया गया है। साथियों, भूमिहीनों को 2 एकड़ जमीन आवंटित हो, इसकी बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल आपके बीच में रख के बाद सब बात करूंगा। आपको मालूम है देश में आज तक आजादी के बाद हजारों जन आंदोलन के साथी शहीद हुए, आजादी के पहले भी किसान शहीद हुए, बाद में भी सिद्धांत शहीद हुए। मैं जिस मुल्ताई से आता हूं उसके 24 किसान साथी शहीद हुए, 24 को गोली लगी, सजा मुझको 53 साल की हुई, मुकदमे 134 लगे। वो छोड़ दिया जाए तो जो शहीद है उनका कोई स्मारक बना हुआ नहीं है। सरकार ने हमको मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाने दिया, लेकिन ऐसे जो पूरे देश के शहीद किसान हैं और जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उन किसानों का स्मारक बनाने की बात पहली बार किसी अखिल भारतीय संगठन ने देश में की है, और वो भी जुआ घर के अंदर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, कोई भी आता है उसकी नजर के अंदर किसान नहीं आता, और इसलिए चाहते हैं कि वहां पर किसान स्मारक बने। आप लोग अगर चाहते हो तो हाथ खड़े करके बताओ, किसान स्मारक बनाना चाहते हो रोसकोर्स रोड के ऊपर। ये शहीदों का, साथियों, जो मिट्टी आई है किसानों की, इसी से बनाया जाएगा। बस आपसे ये कहते हुए, बिना आर पार की लड़ाई के कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए जय किसान आंदोलन को देश के 75 किसान संगठनों ने समर्थन करने का फैसला किया, जिसके सब साथी देश भर के जन संगठनों के यहाँ पर बैठे हैं। अंत में एक सूचना केवल देते हुए आपको, मेधा पाटकर जी को यहाँ पर आना था, अगस्त के 1 तारीख को आना था, जब आपका केस लग गया सुप्रीम कोर्ट का, प्रशांत जी के साथ में नहीं आ पाए, और अब 2.5 लाख लोग डूब रहे हैं नर्मदा की घाटी के अंदर। केवल मोदी का सिर्फ अपन 17 मीटर और हाइट बढ़ाने का फैसला, जिद, इसके चलते बड़ी डूब आने वाली है। मेधा जी उसकी पदयात्रा कर रही हैं,
और 12 तारीख से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह वहां पर शुरू होगा। हम सब साथी मिलकर के उस आंदोलन का समर्थन साथियों करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि उस अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में नर्मदा बचाओ आंदोलन के आपको भी शामिल होना चाहिए। और एनएपीएम की ओर से सभी मंचासीन साथियों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि 12 तारीख के बाद में जब भी समय निकले आप नर्मदा की घाटी में जाइए। 2.5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में कहीं विस्थापित नहीं हो रहे, कहीं डूब नहीं रहे, और इसलिए वो सबसे बड़ी लड़ाई है। अपनी बात समाप्त करूंगा नारों के साथ। मेरे साथ जोरदार तरीके से साथियों नारे लगाइएगा, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, किसान मजदूर आदिवासी एकता जिंदाबाद, गांव का एकता जिंदाबाद, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश रद्द करो, किसानों की आय 15,000 रुपए महीने की गारंटी दो, किसानों को 2,000 रुपए पेंशन दो, भूमिहीनों को 2 एकड़ का पट्टा दो। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।